दोस्तों आज हम टीवीएस जुपिटर की बात करेंगे। अगर टीवीएस जुपिटर के अंदर एसटी कॉइल के अंदर करंट नहीं आता है या गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो रही है किसी कारण से, अलग कारण से, तो उसमें हमें क्या क्या, इसमें स्टेप बाय स्टेप हमें क्या क्या चेक करना चाहिए और क्या प्रोसेस होना चाहिए, इसका हम वो बात करेंगे। टीवीएस जुपिटर ये है दोस्तों BS4 वाली, BS3 का वायरिंग और ये चीज़ें अलग हैं उसके अंदर, और BS4 जैसे जिसके अंदर स्विच नहीं हो इसकी वायरिंग अलग है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। BS3 के अंदर कई गाड़ियों में कंबाइन CDI है और कईयों में TCI आती है दोस्तों, और BS4 के अंदर कंबाइन CDI आ रही है। हम BS4 की बात करें, जुपिटर BS4 है, ठीक है दोस्तों। अगर सबसे पहले हमारी गाड़ी अगर हमारे पास आती है तो सबसे पहले आपको चाबी ऑन करके देखना है कि आपकी लाइटें ऑन है या नहीं है। सबसे पहले आपको ये देख लेना है आपकी इकोनॉमिक लाइट ऑन है या नहीं है। इकोनॉमिक लाइट ऑन नहीं है या किसी कारण से आपके ये हॉर्न इंडिकेटर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है सबसे पहले, इधर आओ। सबसे पहले अपने को अगर हॉर्न इंडिकेटर की लाइटें अगर कुछ नहीं काम कर रही है, सबसे पहले हमको ये वायर देखना है दोस्तों। ये रेड कलर का कपलर है जिसके अंदर 3 वायर आ रहे हैं, एक रेड कलर का है, एक दोस्तों ये ब्राउन कलर का है और एक ये पिंक कलर का है। ये वायरिंग मैं बताऊंगा आपको इसमें क्या क्या होता है, मगर फिर भी अभी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अगर ये वायर हम निकाल देते हैं और किसी कारण से इसमें कार्बन आ जाता है, जैसे अभी आप देख रहे हो कार्बन आ रहा है, अगर ये कार्बन किसी कारण से और बढ़ जाता है, ठीक है, यहाँ लाइटें आनी बंद हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। ना हॉर्न जलेगा ना इंडिकेटर जलेगा, आप फ्यूज़ को देखते रहोगे, ठीक है, इस यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ये कपलर देख लेना है, ठीक है। इस कपलर के अंदर लगता है दोस्तों ये कार्बन, ठीक है, इसको साफ कर देना है दोस्तों। और ये वायरिंग के बारे में भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। आपकी ये सारी लाइट आ रही है और खाली ये इकोनॉमिक वाली लाइट नहीं आ रही है, ये वाली लाइट नहीं आ रही है, ठीक है, तब आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी दोस्तों इसके अंदर। और उसके लिए भी आपको क्या चीज़ चेक करना है दोस्तों, इधर लिखना दोस्तों, ये है इसकी कंबाइन CDI। जैसे अपनी नॉर्मल CDI होती है बाइकों में या एक्टिवा वगैरह में, CDI से आगे ST कॉइल पे करंट जाता है, इसके अंदर CDI प्लस ST कॉइल दोनों ही कंबाइन है दोस्तों। कपलर निकाल देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसका कपलर निकाल दिया दोस्तों, ऊपर देखो लाइट नहीं आ रही है, ठीक है दोस्तों। अगर ये लाइट नहीं आएगी तब भी हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, और ये लाइट ना आने के कई कारण हैं, जैसे बीच में वायर टूट जाना, ठीक है, या आगे से इसका जो करंट आता है वो नहीं आना। तो एक एक मैं आपको इसकी वायरिंग की जानकारी देता हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है और क्या क्या फेस करते हैं और कैसे कैसे हम इस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे दोस्तों। ये CDI का कपलर है दोस्तों। जुपिटर के अंदर ये फ़ायदा रहता है, हमें इधर उधर फालतू वायरिंगें नहीं देखनी पड़ती है, सीधा ही कम्बाइंड CDI पे आना पड़ता है। ये है इसकी कम्बाइंड CDI दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। सबसे मेन वायर होते हैं हमारे ये CDI की वायरिंग है, जो इसमें सबसे मेन 3 वायर होते हैं, ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट वायर होते हैं। सबसे पहला वायर मैं आपको बताता हूँ, ये ब्लैक के अंदर, सॉरी ये ब्लैक के अंदर हल्का सा बैंगनी कलर का है दोस्तों, ब्लैक में बैंगनी कलर का है दोस्तों। ये वाला वायर हमारा अगर CDI के अंदर नहीं आएगा तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, और ये वाला वायर अगर कहीं से बीच में टूट जाता है, कट जाता है, तो ऊपर वाली ये इकोनॉमिक लाइट है जो ग्रीन कलर की लाइट है दोस्तों, वो ऑन नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अगर ये वाली वायरिंग कट जाती है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। मल्टीमीटर की सहायता लेंगे हम लोग, मल्टीमीटर को हम यहाँ से 20 वोल्ट पर लगा लेंगे दोस्तों, ठीक है, ये हमने 20 वोल्ट पर लगा लिया, और इसको हम बॉडी से अर्थ कर देंगे, एक को हम बॉडी से अर्थ कर देंगे और एक पॉजिटिव वाले को लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों। ये पॉजिटिव वाला है, इसको हम इसमें लगा के देखेंगे, और वहाँ मल्टीमीटर भी दिखा दोस्तों, ये 12 वोल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें सप्लाई पूरी सही आ रही है। इसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ, अगर ये वायर अगर इसमें 12 वोल्ट नहीं आता है तब आपको क्या करना है दोस्तों। ये देखो इसमें 12 वोल्ट पूरा आ रहा है, ठीक है, एक बार दिखाना मल्टीमीटर में दोस्तों, ये देखो 12 वोल्ट पूरा आ रहा है, ये इसमें पॉजिटिव करंट आता है दोस्तों, ठीक है, चाबी स्विच ऑन होते ही इसमें पॉजिटिव करंट आता है दोस्तों। अगर इसमें 12 वोल्ट नहीं आता है किसी कारण से, तो आपको करना क्या है दोस्तों, इसमें देखो इसके अंदर नहीं आए तो सबसे पहले यहाँ चाबी स्विच है दोस्तों, ये वाला चाबी स्विच के ऊपर इसमें 4 ऊपर चाबी स्विच में 4 तार जाते हैं दोस्तों,
दो नीचे से रेड कलर के जाते हैं चाबी स्विच के अंदर, दो नीचे से रेड कलर के जाते हैं और बाहर निकलते हैं दोस्तों एक ब्लैक में बैंगनी, इसी कलर का निकलेगा चाबी स्विच में बिल्कुल दोस्तों, ठीक है, ब्लैक में बैंगनी कलर का निकलेगा चाबी स्विच से दोस्तों, ठीक है, और एक निकलेगा ऑरेंज कलर का दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। आपको चाबी स्विच से डायरेक्ट उठाना है वायर, डायरेक्ट चाबी स्विच से उठाना है और इसको यहाँ कनेक्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। अगर फिर भी आपके नहीं आता है किसी कारण से, वहाँ चाबी स्विच से आप डायरेक्ट कर रहे हैं और फिर भी आपकी गाड़ी के अंदर अगर करंट नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप ये देखें चाबी स्विच पे दो वायर जाते हैं दोस्तों, दो रेड कलर के वायर जाते हैं साथ में जुड़े हुए जाते हैं, एक तो आपके इस आरआर यूनिट से जाता है दोस्तों, ये देखिए ये जो वायर है, ये जो वायर दिख रहा है आपको ये आरआर यूनिट से जाता है, और एक जाता है अपने बैटरी से दोस्तों, ये वाला वायर, ठीक है दोस्तों, ये बैटरी से सीधा हमारे चाबी स्विच पर जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पूरी वायरिंग जा रही है, इसकी मेन वायरिंग जा रही है, इसकी मेन वायरिंग बीच में जहाँ से वो दो वायर आपस में कनेक्ट होते हैं दोस्तों, वहाँ कार्बन लग के कई बार रेड कलर का वायर टूट जाता है दोस्तों, ठीक है। आपको करना क्या है, ये रेड कलर का वायर टूटने से चाबी स्विच पे करंट नहीं जाएगा दोस्तों, अगर चाबी स्विच पे करंट नहीं जाएगा तो सीडीआई पे भी करंट नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। चाबी स्विच पे कौन सा करंट लेके जाता है, ये आरआर यूनिट का वायर, ठीक है दोस्तों, और एक ये जो मैंने आपको बताया है बैटरी से जो ये 12 वोल्ट लेके जा रहा है वो वाला वायर दोस्तों, ठीक है ना, बैटरी से जो 12 वोल्ट लेके जाता है, ठीक, ये दो वायर सीधा चाबी स्विच पे जा रहे हैं, और बीच में यहाँ इस जगह जस्ट मैं जहाँ ये नट बता रहा हूँ इसी के नीचे वायर वो आपस में जॉइंट होते हैं, आपस में जॉइंट होते हैं, वहाँ पर कार्बन लगने के कारण वो वायर टूट जाता है, और कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने सारी फंक्शन चेक कर ली और फिर भी करंट नहीं आ रहा है। तो यहाँ गाड़ी के नीचे जुपिटर के अंदर प्रॉब्लम है कि गाड़ी के नीचे यहाँ पर वायरिंग में कार्बन लग जाता है, रेड कलर की वायरिंग में कनेक्टर के पास में दोस्तों, ठीक है, तो वो वहाँ से कार्बन लगने के कारण आपके चाबी स्विच में करंट नहीं आएगा दोस्तों। मैं पहले बता देता हूँ, सबसे पहले आपको चाबी स्विच में करंट लाना है 12 वोल्ट, और 12 वोल्ट मैंने आपको बता दिया इस फ्लोर बोर्ड के नीचे से आपको वायरिंग चेक कर लेनी है। अगर फिर भी आपके किसी कारण से अगर आपको नहीं समझ में आता, आपको किसी कारण नहीं समझ में आता, तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ से दो वायर उठाने हैं। आपको यहाँ से वायर कट कर देना है, ये देखो दोस्तों ये वायरिंग यहाँ से आपको हल्की कट करके यहाँ से लंबा वायर लेना है, खींचना है दोस्तों यहाँ से, ठीक है, एक लंबा वायर खींचना है आरआर यूनिट से दोस्तों, और सीधा आपको चाबी स्विच के ऊपर रेड कलर का वायर होगा, ठीक है दोस्तों, वहाँ ले जाना है आपको। तो इसका मतलब आपने चाबी स्विच तक डायरेक्ट अपना एक लंबा वायर दे दिया, और एक वायर साथ में आपको यहाँ से बैटरी के टर्मिनल से लेके जाना है, ये दो वायर आपस में आपको दोनों वायर साथ में चला के यहाँ डायरेक्ट दे देना है दोस्तों। अगर बीच में अगर आपको खोलना ज़्यादा लंबा पड़ रहा है या किसी कारण से, तो आपको बीच में नहीं देख कर सीधा आप यहाँ वहाँ से चाबी स्विच के दो रेड कलर के वायर हैं दोस्तों, यहाँ से मैंने बता दिया एक आरएन यूनिट से उठाना है आपको ये दोस्तों, और एक बैटरी से सीधा वायर उठा देना है फ्यूज़ के, जैसे ये वायर आ रहा है, और यहाँ से आपको कट करके सीधा यहाँ से एक दो वायर उठाना है और दोनों सीधा चाबी स्विच पर दे देना है दोस्तों आपको। तो इसका मतलब 12 वोल्ट आपने चाबी स्विच को दे दिया, ठीक है, और 12 वोल्ट का ही सप्लाई कहाँ आएगी दोस्तों, ये सीडीआई पे आएगी, कौन सी वायर, ये वाली वायरिंग दोस्तों, इस पर आएगी चाबी स्विच से, और सेम कलर होएगा दोस्तों ब्लैक में बैंगनी कलर का, ध्यान रखना दोस्तों मैं कलर बता रहा हूँ ब्लैक में बैंगनी कलर का, ठीक है। तो वो वाला वायर उठा के आपको सीधा यहाँ दे देना है, तो इसका मतलब आपकी कंबाइन सीडीआई के अंदर करंट आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, ठीक। दूसरा दोस्तों वायर होता है ये अर्थिंग का, ठीक है, ये अर्थिंग का वायर है दोस्तों, अगर इसमें भी करंट नहीं आएगा तब भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। आपको इसको चेक करने के लिए क्या करना है, मल्टीमीटर को सीधा आपको कंटिन्यूटी पर लगाना है, और देखो दोस्तों ब्लैक में वाइट कलर के वायर के अंदर लगाएंगे हम, ठीक है, यहाँ हमारा बीप बच गया, ठीक है, बीप बच गया, तो इसका मतलब हमारी अर्थिंग का वायर ओके है। अगर अर्थिंग का वायर ओके नहीं है दोस्तों, फिर क्या करना है आपको, यहाँ से वायर आपको हल्का सा एक कट करना है, यहाँ से एक वायर देना है, कहीं पे भी बॉडी अर्थ कर दो दोस्तों, होती कोशिश यहाँ सीडीआई के पीछे ही बॉडी अर्थ कर दो, आपकी अर्थिंग आपको आपकी सीडीआई को मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये दो वायर आपकी गाड़ी को स्टार्ट करने में मेन सहायक होते हैं दोस्तों, ठीक है। इस वायर में भी जो आप रेड में
ब्राउन कलर का वायर देख रहे हैं, हल्का रेड में, देखो पूरा रेड है और ये ब्राउन कलर का वायर है दोस्तों। इसमें भी पूरा का पूरा 12 वोल्ट आता है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें चाबी ऑन होते ही इसमें भी 12 वोल्ट आता है। अगर इसमें अगर 12 वोल्ट नहीं आए तब भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और ये 12 वोल्ट कहाँ से आ रहा है दोस्तों, ये आपके मीटर में से आ रहा है दोस्तों, ठीक है। जैसे चाबी ऑन होगी इसमें 12 वोल्ट आएगा, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें 12 वोल्ट किसी कारण से नहीं आता है, ठीक है, तब भी मैंने आपको बताया 12 वोल्ट कहाँ से देना है। इसको आप सीधा आप चाबी स्विच से उठा के दे सकते हैं 12 वोल्ट दोस्तों, यहाँ से आप काटेंगे, ठीक है, और सीधा आपको चाबी स्विच से दे देना है। ये तीन वायर आप, ठीक है, ये तीन वायर मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और दोस्तों ये दो वायर आते हैं, ठीक है, ये दो वायर हैं ग्रे के अंदर रेड कलर का, ठीक है दोस्तों, याद रखना ग्रे के अंदर रेड कलर का, ठीक है, ये और ब्राउन के अंदर वाइट कलर का, ये दो वायर हैं दोस्तों, ठीक। कौन कौन सा, ये ग्रे के अंदर रेड और ब्राउन के अंदर वाइट, ये हमारी मैग्नेट कॉइल से उठ के आते हैं, जिसको हम पिकअप कॉइल बोलते हैं, वो वाला वायर है दोस्तों। दिख रहा है कलर दोस्तों, ये ग्रे के अंदर रेड और ब्राउन के अंदर वाइट कलर का दोस्तों। ये दो वायर अगर हमारे बीच में टूट जाते हैं या कुछ भी मैग्नेट अगर पिकअप कॉइल ख़राब हो जाती है तब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी दोस्तों। इसको भी चेक करने का एक तरीका है, गाड़ी मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे ले लें दोस्तों, ठीक है। अगर हमने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे ले लिया, ठीक है, एक पिन इसमें डालनी है, दूसरी पिन हमको, एक पिन हमको देखो जो ग्रे के अंदर रेड कलर का है उसमें डालनी है, और जो ब्राउन में के अंदर वाइट कलर का है उसमें डालनी है दोनों, ठीक है, एक एक पिन उसमें डाल देना। वहाँ रीडिंग दिखाना दोस्तों, देखो 205 रीडिंग आ रही है टीवीएस के अंदर। अगर ये चली जाती है 225 तक चली जाती है, 225 या 230 भी चली जाती है, ओके है, ठीक है, और मिनिमम आपके 180 से 190 तक रहेगी तब भी आपकी गाड़ी ओके रहेगी। अगर यहाँ पर किसी कारण से, ये देखो किधर, देखो यहाँ अगर 1 आता, ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो ये CDI की वायरिंग है ना, इसके अंदर पिकअप कॉइल की रीडिंग नहीं आ रही है, इसके अंदर, इन दोनों के अंदर, ये देखो ग्रे के अंदर रेड और ब्राउन के अंदर वाइट। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इसके मैग्नेट कॉइल का जो वायर निकल रहे हैं, ये देखो दोस्तों ये दो वायर आ रहे हैं, ये वाइट कलर का और ये ब्राउन कलर का दोस्तों, दिख रहा होगा। और आगे जाके देखो दोस्तों ये क्या बन जा रहा है, ग्रे के अंदर वाइट, और मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, देखो ब्राउन कलर का वायर आगे जाके क्या बन रहा है, ग्रे के अंदर वाइट। पास में थोड़ा क्लियर ला, हाँ देखो दोस्तों ये ब्राउन कलर का वायर जो है वो ग्रे के अंदर वाइट बन रहा है, और जो पीछे वाइट कलर का वायर है, जो वाइट कलर का वायर है वो बन रहा है ग्रे के अंदर रेड, देख रहे हो दोस्तों। ये जो ब्राउन कलर का वायर है ये बन रहा है ब्राउन के अंदर वाइट, ठीक है, ब्राउन के अंदर वाइट। देखो हमारा ये CDI का वायर, देखो यहाँ ब्राउन कलर का वाइट है और इसमें भी ब्राउन कलर का वाइट है, ठीक है दोस्तों। और जो वाइट कलर का, प्योर वाइट कलर का है वो बन रहा है ग्रे के अंदर रेड, और ये देखो दोस्तों ग्रे के अंदर रेड, ठीक है। ये दो वायर हैं दोस्तों जो ये ऐसे रहते हैं, ठीक है दोस्तों, ये पिकअप कॉइल के वायर हैं। तो इसमें क्या होता है, कई बार आपका वायर बीच में से कट जाए तब भी यहाँ सिग्नल नहीं आएगा, या पिकअप कॉइल ख़राब हो जाए तब भी यहाँ सिग्नल नहीं आएगा। सबसे पहले तो आप यहाँ कैसे चेक करेंगे सिग्नल के लिए, मल्टीमीटर को वही कंटिन्यूटी पे ले लेंगे, ठीक है। अब जो ब्राउन के अंदर वाइट है उसके अंदर एक पिन लगाएंगे, ठीक है, यहाँ देखो जो पिकअप कॉइल के अंदर जो वायर बाहर निकल रहा है, ब्राउन के अंदर वायर, वाइट वायर, ठीक है, ब्राउन कलर और वाइट धारी है, ठीक है दोस्तों, उसके अंदर एक पिन लगा देंगे। और दूसरा पिन हम जो यहाँ CDI के अंदर आ रहा है, देखो ब्राउन में वाइट, अगर यहाँ बीप हो आ रही है तो इसका मतलब आपकी यहाँ से एक पिकअप कॉइल में जो दो वायर निकलते हैं उनमें से एक वायर ओके है। ऐसे ही हम दूसरे वाले को भी चेक कर लेंगे, ठीक है, जो ब्राउन के अंदर रेड है इसमें डाल रहा हूँ, देखो दोस्तों पिकअप कॉइल के, और ये ब्राउन के अंदर जो रेड है इसमें डाल रहा हूँ, ये देखो दोस्तों इसमें भी बीप आ रही है। अगर ये बीप नहीं आती है किसी कारण से तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ये जो कपलर के वायर हैं, ठीक है, सीधा आपको यहाँ जोड़ देना है, ठीक है, ब्राउन में जो वाइट कलर का है वो ब्राउन में वाइट कलर के साथ जोड़ दो,
और ब्राउन में जो सॉरी ग्रे में जो रेड कलर का है, ग्रे में रेड कलर का, वो ग्रे में रेड के साथ जोड़ दो दोस्तों, इसकी सप्लाई पूरी आ जाएगी, मतलब जो पिकअप कॉल का सिग्नल पूरा आ जाएगा। और पिकअप कॉल का सिग्नल के लिए मैंने आपको बताया है कि इसको कंटिन्यूटी भी रखना है, ठीक है, और इन दोनों को इसके अंदर एक एक को इसमें डाल देना है, ठीक है। 220 से 240 तक के करीब ऊपर नीचे चलता है दोस्तों इसमें, एक मिनट देखो दोस्तों 205 आ रहा है, 220 200 मतलब लास्ट 240 तक ओके है, और वन आ गया तो मतलब आपकी पिकअप कॉइल ख़राब है। अगर आप पिकअप कॉइल पूरी चेंज करना चाहे तो खाली पिकअप कॉइल चेंज कर सकते हैं, या मैग्नेट के साथ पिकअप कॉइल आती है तो वो चेंज कर सकते हैं, तब आपके सिग्नल यहाँ तक आ जाएगा, कहाँ तक, मेन जो कंबाइंड CDI तक आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये दो बता दिए मैंने आपको, ठीक है। अब ये वाला वायर है दोस्तों, अब आया ये वाला वायर, ये इसका कलर उड़ चुका है, मगर इसका मैं कलर बता दूँ, ये पिंक कलर होता है दोस्तों, ठीक है ना, ये पिंक कलर का वायर है, ये CDI में से निकलता है दोस्तों, CDI में से नेगेटिव करंट लेके जाता है, कहाँ पर, अपने ये सेल्फ के रिले पर दोस्तों, ये देखो सेल्फ का रिले लगा हुआ है, ये पिंक कलर का वायर है, आपको दिख रहा होगा ये वाला पिंक कलर का वायर है दोस्तों। अगर इसके अंदर CDI अगर अर्थिंग नहीं देगा तब भी आपकी गाड़ी में सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा और गाड़ी सेल्फ ही नहीं लेगी दोस्तों, ठीक है। अगर इन केस आपकी गाड़ी सेल्फ नहीं लेती है और आपने अपने सेल्फ का सर्किट पूरा चेक कर लिया है, जो कि मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा सेल्फ का सर्किट कैसे चेक करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर इन केस आपकी गाड़ी सेल्फ रिले पे अर्थिंग नहीं पहुँच रहा है, तब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ से वायरिंग काट देनी है इसमें से, ठीक है, यहाँ से वायरिंग काट देनी है, ठीक है, और इसको डायरेक्ट बॉडी से अर्थ कर देना है दोस्तों। अगर आप डायरेक्ट बॉडी से अर्थ कर देंगे तो इसमें सिर्फ आपको एक ये घाटा होगा, जैसे आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है, कई बार स्टार्ट होने के बाद वापस हम सेल्फ का बटन दबाते हैं तो CDI उसको अर्थिंग नहीं देता है और सेल्फ ऑटोमेटिक ऑन वापस नहीं होता है, मतलब स्टार्ट गाड़ी के अंदर हम ये अगर स्विच दबाएंगे, ये वाला बटन, स्टार्ट गाड़ी के अंदर अगर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और मैं ये स्विच दबाता हूँ तो सेल्फ मूवमेंट नहीं करेगा दोस्तों। मगर यहाँ से आपने अगर डायरेक्ट अर्थिंग दे दिया, अगर सोचो आपकी CDI में से अर्थिंग बाहर नहीं निकल रहा किसी कारण से और आप CDI पूरी चेंज नहीं करें, CDI इसकी काफ़ी महंगी आती है, जैसे 1800 रुपये की CDI आती है, कस्टमर मना कर दे, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट तरीका, जैसे यहाँ से आप वायरिंग काट के पूरी काट देना है, यहाँ से CDI से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, यहाँ से काट के आप इसको डायरेक्ट बॉडी से अर्थ कर देंगे तो आपकी सेल्फ रिले को अर्थिंग मिल जाएगा दोस्तों। मगर इससे नुकसान एक ये होगा, मैं बता दूँ, गाड़ी जैसी आपकी स्टार्ट हो जाएगी और गलती से आपने सेल्फ स्विच दबाया, सेल्फ स्विच दबाते ही आपका सेल्फ चालू कंडीशन में ही मूवमेंट आ जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, वो ऑन हो जाएगा, तो इससे नुकसान ये होगा दोस्तों। इसमें नुकसान भी मैंने आपको बता दिया है क्या होगा, डायरेक्ट अगर डायरेक्ट स्टार्ट गाड़ी के अंदर स्विच दबाते हैं तो आपका सेल्फ ऑन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आप कस्टमर से पूछ के कर लीजिएगा, बेटर ये रहता है, या CDI चेंज कर दीजिएगा, ये बेटर रहता है। तो दोस्तों मैंने CDI की आपकी कंप्लीट वायरिंग बता दी है आपको, कंबाइंड CDI की, सॉरी, इसमें कौन कौन से वायर इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, ठीक है। चाबी स्विच भी मैंने आपको बता दिया, चाबी स्विच पे अगर आपका करंट नहीं जा रहा है तो आपको कहाँ से वायर उठाना है, RR यूनिट से वायर उठाना है पहला, दूसरा आपको ये स्विच असेंबली है, ये फ्यूज़ है, फ्यूज़ के पास से, ये कपलर के पास, इस साइड से फ्यूज़ के इस साइड से वायर उठा के डायरेक्ट आपको चाबी स्विच पे दो वायर देने हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा मैंने ये भी बता दिया आपको कि CDI के अंदर ये मेन वायर है जो 12 वोल्ट करंट लेके आता है, इसमें करंट ना आए तो चाबी स्विच के पास में ही सेम कलर का वायर, ब्लैक में बैंगनी कलर का वायर है, वहाँ से उठा के आपको डायरेक्ट यहाँ जोड़ देना है दोस्तों। अर्थिंग में करंट ना आए तो क्या करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट आपको बॉडी से अर्थ दे देना है दोस्तों। अगर ये सेल्फ के पिंक कलर का वायर के अंदर अगर बाहर अर्थिंग नहीं निकलता है और सेल्फ आपका स्टार्ट नहीं होता, ये भी मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि आपको डायरेक्ट यहाँ से बॉडी से अर्थ देख कर यहाँ से वायर काटना है और डायरेक्ट बॉडी से अर्थ दे देना है, जो आपके सेल्फ रिले ऑन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और सबसे पहले गाड़ी बंद आती है तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें इकोनॉमिक लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, अगर लाइट सारी, ये देखो नॉर्मल इंडिकेटर वगैरह सब बज रहे हैं अगर आपके, और आपकी इकोनॉमिक लाइट नहीं आ रही है तो सबसे पहले आपको यहाँ इसका कनेक्शन चेक कर लेना है, कई बार लूज़ कनेक्शन होता है उस कारण से नहीं होता है, और कई बार ये वाला वायर जो मैंने आपको बताया यही इकोनॉमिक लाइट को वहाँ पर भेजे, ये टूट जाएगा तो आपकी इकोनॉमिक लाइट नहीं जलेगी दोस्तों, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका ये जान लीजिए, अगर ये ब्लैक में बैंगनी कलर का वायर, पास में दिखा दे एक बार, ये दोस्तों ये आपकी मेन CDI का
ऑन करने का, सीडीआई को ऑन करने का यही है दोस्तों, ब्लैक में बैंगनी कलर का वायर है, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको कंबाइन सीडीआई की वायरिंग बता दी है कंप्लीट, कि कैसे कैसे आपको चेक करना है दोस्तों, ठीक है। अगर आपके पास गाड़ी बंद आती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है। मैंने स्टार्ट के लिए आपको पिकअप कॉइल चेक कर लेना है, जो मैंने आपको यहाँ से वायरिंग का कलर बता दिया है, और चाबी स्विच से जो ब्लैक और बैंगनी कलर का वायर आता है वो बता दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये इकोनॉमिक लाइट नहीं आती है ग्रीन कलर की, तो सबसे पहले आपको ब्लैक में बैंगनी कलर का जो वायर आ रहा है वो चेक करना है उसका, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको ये चीज़ बताया कि आपके एस टी कॉइल पर करंट नहीं आता है, और ये BS4 की गाड़ी है दोस्तों, ये BS4 की वायरिंग के हिसाब से मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।